नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं INN24। रुक करते हैं खबरों की तरफ। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती पर सकती जिले के भूथिया तहसील कार्यालय के सामने जय जयपुर विधायक बालेश्वर साहू, उमा शंकर चंद्रा, बोध साय चंद्रा, भूथिया सरपंच प्रतिनिधि राकेश चंद्रा सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणजनों ने महात्मा गांधी जी के मूर्ति की पूजा अर्चना कर उनको याद किया एवं उनके बताए सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया एवं ग्रामीणों की मांग पर विधायक बालेश्वर साहू ने अपने उद्बोधन में कहा कि ग्राम पंचायत बोथिया में जिला सहकारी बैंक एवं विद्युत सब स्टेशन को स्वीकृत कराने का आश्वासन दिया। साथ ही कचंदा, सलनी, मलनी, भोथिया, दर्रा भाठा तक सड़क को शासन द्वारा नहीं बनाए जाने पर सड़क को बनवाने के लिए पदयात्रा करने का आह्वान किया। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म जयंती के अवसर पे ग्राम पंचायत भोथिया में बुजुर्ग श्यान युवा साथी के तरफ से गांधी जी के जन्म जयंती हर साल यहाँ मनाया जाता है गांधी चौक में। तो मैं इस क्षेत्र के लिए जो गांधी जी ने एक दांडी यात्रा किया था और इस भारत देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाए थे, तो आज ये जो सल्ली मल्ली भोथिया झाड़ रौंदा दर्रा भाटा खमरिया जो रोड है कई वर्षों से नहीं बना हुआ है। जब मैं विधायक बना तो सबसे पहले बजट में जोड़ने का काम करवाया और बजट में जुड़ा हुआ है। मैं विष्णुदेव सरकार और वित्त मंत्री ओपी चौधरी से निवेदन करना चाहता हूं, कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र को आज भी इन लोग 40 साल 50 साल वाला जो रोड में चलते थे उसी रोड में चलना पड़ रहा है। जिला सहकारी बैंक के लिए बारह द्वार जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र में पिछड़ा क्षेत्र है और ये क्षेत्र आज तक सरकार को सुख भी नहीं पाया है। सरकार जब जब यहाँ बना है तब तब विपक्ष का ही विधायक हुआ है। तो मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र पे विशेष ध्यान दें और इस क्षेत्र को अगर ध्यान नहीं देते हैं तो महात्मा गांधी के मार्गदर्शन और उनके जो सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए हम लोग यहाँ से चल के कलेक्टर शक्ति तक पदयात्रा दांडी यात्रा करेंगे और अगर बन जाता है तो सरकार को हम लोग बधाई देंगे और नहीं बनता तो हम लोग